अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं लर्न विद फैजान भट्टी। सी प्लस प्लस की सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में इनपुट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम ना वीएल स्टूडियो रन करते हैं, कोड करते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाइट मेन कैलिब्रेशन ओपन और क्लोज सिस्टम पॉज जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आउटपुट कैसे लेते हैं। सी आउट फैजान भट्टी तो सबसे पहले हम अपना कोई ना कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रिंग में लेते हैं स्ट्रिंग नेम, उसके बाद हम इसको सी इन करवाते हैं। सी इन का मतलब होता है कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यहां पे ये एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें स्ट्रिंग की भी लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एरर यहाँ पे जो रेड कलर का था वो खत्म हो गया। तो अब हम देखते हैं, इसको करते हैं एंडल। इसको रन करते हैं, तो रन करने के बाद आपने देखा कि ये फिजान भट्टी शो हो रहा है, उसके नीचे ये ब्लिंकिंग हो रही है। हम यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं जैसा कि लर्न विद फिजान भट्टी। आप जैसे ही एंटर की क्लिक करेंगे तो वो देखें हमने ये यूजर से इनपुट ली है लर्न विद फिजान भट्टी। चलो हम देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक बंदे का नाम पूछेंगे, उसकी एज पूछेंगे और उसका एड्रेस पूछेंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले नेम है, तो नेम के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज होती है स्ट्रिंग नेम। उसके बाद एज है, एज के लिए हमें इंटीजर डेटा टाइप चाहिए एज। उसके बाद हमें एड्रेस चाहिए, एड्रेस के लिए फिर हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो हम आउटपुट करते हैं सी आउट व्हाट इज योर नेम। इसको करते हैं सी इन नेम, फिर उसके बाद आते हैं सी आउट व्हाट इज Your age, see in age, फिर उसके बाद हम एड्रेस लेते हैं see out what is your address। इसको भी सीन करवाते हैं। तो चलो सबसे पहले इस प्रोग्राम को सीखते हैं कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा। सी आउट व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब है कि जो हमारी कंसोल स्क्रीन आएगी उस पर ये मैसेज लिखा होगा व्हाट इज योर नेम। जो भी डबल कोटेशन के अंदर हम लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो सी इन नेम का मतलब होता है कि जो हम यूजर से इनपुट लेंगे। सेम इसी तरह सी आउट व्हाट इज योर नेम, ये हमारा कंसोल पे ऑलरेडी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम यूजर से एज लेंगे, फिर इसी तरह व्हाट इज योर एड्रेस, हम यूजर से एड्रेस लेंगे और जो भी वो एड्रेस लिखेगा वो शो। चलो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। व्हाट इज नेम फिजान, व्हाट इज योर एज 5, व्हाट इज योर एड्रेस। तो एड्रेस में हम दे देंगे कोई भी एड्रेस ए बी सी पाकिस्तान। तो ये देखें कि हमने जस्ट यूजर से इनपुट ली है और
हमने इनपुट ले दिया है। अब इसके बाद अगला हमारा टास्क है इन ही इनपुट्स जो हमने इनपुट्स लिया है कंसोल पे दोबारा दिखाना कि यूजर ने क्या क्या इनपुट्स दिए हैं। तो चले इसके लिए हम करते हैं सी आउट, सबसे पहले नेम, उसके बाद हमने लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एंड एल, फिर इसी तरह एज एंड एल, फिर आता है एड्रेस एंड एल। तो चलो स्टूडेंट्स अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट मिलती है। वो सबसे पहले पूछता है व्हाट इज योर नेम, फैजान भट्टी, व्हाट इज योर एज 25, एड्रेस एबीसी पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो हमने यूजर से इनपुट ली थी कि शुरू में लिया था उसके नेम के लिए फैजान भट्टी लिया था, एज के लिए हमने उसकी एज 25 मांगी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं वो हमने 25 प्रिंट करवा दिया, और हम देख सकते हैं एबीसी पाकिस्तान प्रिंट नहीं हुआ, ये सिर्फ एबीसी प्रिंट हुआ है। तो आज के लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन पर हिट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।